जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। स्टडी में हम जानेंगे सभी परीक्षाओं से इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। यदि आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एक, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप के जो समिति थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के ये आपको अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर दो, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। मारो फिरंगी को जो नारा है ये किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी का जो नारा है वो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर तीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मुंबई में स्थित है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर चार, प्रथम परमवीर चक्र विजेता फ्रेंड्स कौन थे। तो सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी के कारण। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, एस्कर्वी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, एस्कर्वी आपको विटामिन सी की कमी से होने वाली आपको बीमारियां हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर छः, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये आपको प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सात, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है फ्रेंड्स नेत्रदान में। तो ऑप्शन ए, कॉर्निया आपको दान किया जाता है नेत्रदान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आठ, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो कितनी है फ्रेंड्स, तो 52 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नौ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, पहली भारतीय महिला जो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं वो आपको कौन है। तो ऑप्शन डी फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिशेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला थी जो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, यदि हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि किसी वीडियो को आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। कहाँ पर आपको स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, तिरुवनंतपुरम में आपको स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स कब मनाया जाता है आपको वायुसेना दिवस, तो 8 अक्टूबर याद रखेंगे इस प्रश्न को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। आपको किस वर्ष से शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार को, तो ऑप्शन ए 1961 ईस्वी से शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। किसका बना होता है बल्ब का फिलामेंट। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला
कैबिनेट मंत्री कौन थी, पहली महिला कैबिनेट मंत्री भारत की कौन बनी थी, तो राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, कंप्यूटर भाषा में जो आपको www का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। फ्रेंड्स याद रखेंगे www का अर्थ होता है कंप्यूटर भाषा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, प्रमुख लोक नृत्य है राजस्थान का कौन सा है, तो घूमर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, घूमर आपको राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपको देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है, अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो कहां पर स्थित है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, धोनी की तीव्रता किसमें मापी जाती है, किसमें मापी जाती है धोनी की तीव्रता, तो डेसीबल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, डेसीबल में धोनी की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मणिपुर की राजधानी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मणिपुर की राजधानी क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इम्फाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इम्फाल है आपको मणिपुर की राजधानी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, किस राज्य में भारत का आपको चावल सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, युवा दिवस किस तारीख को फ्रेंड्स मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखेंगे किस दिन, तो 12 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में फ्रेंड्स मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, भाप इंजन का जो आविष्कार है वो आपको किसने किया है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, पंचतंत्र का लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं, तो पंचतंत्र के लेखक आपको कौन है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु शर्मा आपको पंचतंत्र के ये लेखक, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि किसी वीडियो को आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।